हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं अभी। देखो, बहुत सारे चीज़ हम लोग देख लिया। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में पूरा एक एक करके देखे हम लोग। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है उसके प्रॉब्लम भी देखे और ऑब्लिक प्रोजेक्शन भी देखे। तो अब मैं क्या करता हूँ, पूरे चीज़ को समराइज करता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा, और कुछ कुछ टॉपिक है जो छोटे डेफिनेशन पता होने चाहिए ताकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो देखो, अब पूरे को समराइज करता हूँ क्या होता है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन से कैसे हम लोग ऑर्थोग्राफिक पे आए, फिर कैसे ऑब्लिक डिस्कस किए अभी, ठीक है। चलो अब ऑर्गेनाइज करते हैं एक एक चीज़ को। देखो, अगर सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन की बात करें, प्रोजेक्शन क्या था, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे उसको प्रोजेक्ट कर देते थे। 3D ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट कर देते थे किसी पर्दे के ऊपर, उसका इमेज ले लेते थे, वही क्या था आपका, प्रोजेक्शन था। अब देखो, प्रोजेक्शन भी दो टाइप का, एक क्या होगा पैरेलल प्रोजेक्शन और दूसरा होता है कन्वर्जेंट प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जब दो रे ऑफ साइट होते हैं या फिर उसको प्रोजेक्टर्स बोलते हैं, वो क्या रहते हैं, आपस में पैरेलल होंगे। जो प्रोजेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें अगर बात करें कन्वर्जेंट में, तो कन्वर्जेंट में क्या होते हैं, वो पैरेलल नहीं होते, ये क्या आएंगे, कुछ एंगल पे आएंगे, ये ऐसे आएंगे, देख रहे हैं, ये कुछ इस टाइप से आएंगे, या तो जाके आगे ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, और ऑब्जर्वर इधर होगा या इधर होगा, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि इसमें जो आपका रे ऑफ साइट या फिर प्रोजेक्टर्स होगा वो पैरेलल नहीं होगा, इस केस में क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। अब देखो, अब पैरेलल में भी दो टाइप होगा, ठीक है, एक होगा ऑर्थोग्राफिक, दूसरा क्या होगा, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक में हम लोग क्या देखे थे, कंडीशन क्या था, दो कंडीशन था आपका, एक क्या था, पैरेलल था, जो आपका प्रोजेक्टर से वो पैरेलल थे, और दूसरा क्या था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ये दो कंडीशन था कि ये क्या था, पैरेलल भी था और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन भी था, इस केस में ऑर्थोग्राफिक में। लेकिन जब अभी ऑब्लिक डिस्कस किए थे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, पैरेलल तो था लेकिन प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से परपेंडिकुलर ना होके कोई सम एंगल पे था, कुछ एंगल, है ना, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कुछ सम एंगल पे, और एंगल क्या था, दो था। एक देखो, अब इसमें भी तीन आते हैं, इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ पहले, इसमें भी तीन आते थे, एक जनरल प्रोजेक्शन होगा, ठीक है, और एक था कैवेलियर था और कैबिनेट था। कैवेलियर में क्या था कि 45 डिग्री पे थे जो आपका प्रोजेक्टर था, वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर, ठीक है, और कैबिनेट में क्या था, 63.26 डिग्री पे क्या था, एंगल आ रहा था, ठीक है ना, जो ऐसे आया था, ये मान के चलो आपका वही है, व्यू प्लेन है, प्लेन व्यू है, तो यहाँ से जो आपका आ रहा था वो कितने पे, 63.26, और इसको हमने अच्छे से डिस्कस भी किया था दोनों, ठीक है ना, कैसे हाफ हो जाता है, क्लियर। तो ये इसमें डिफरेंस था, एक जनरल प्रोजेक्शन, कैवेलियर और कैबिनेट, इतना पता चल गया, ऑर्गेनाइज हो रहा है सारे चीज़। यहाँ पता चला पहले, यहाँ देखो पैरेलल, यहाँ पे कन्वर्जेंट, यहाँ पे क्या हो गया, दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है ना, ये पैरेलल नहीं होगा। अब यहाँ पे आते हैं, अब देखो ऑर्थोग्राफिक में भी दो टाइप होंगे, ठीक है ना, एक होता है मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, ठीक है, और एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। देखो मल्टी व्यू में आप लोग देखे थे फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, मतलब मल्टी व्यू, अगर किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का हम मल्टी व्यू देखते थे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, वो कहाँ देखते थे, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में देखे थे, क्लियर है। अब बात करें एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन की, तो इसमें देखो ट्राइमेट्रिक, डायमेट्रिक और आइसोमेट्रिक। अब ये एनेक्सोमेट्रिक क्या होता है कि अगर कोई भी 3D व्यू है तो हम एक ही व्यू में तीनों चीज़ देख लेते हैं, बात को समझिए कि एक ही व्यू में, एक ही व्यू कहने का मतलब, अगर मान के चलो ये 3D ऑब्जेक्ट है, ये 3D ऑब्जेक्ट है, तो मैं बस ऐसे कर दूं तो आपको ये भी व्यू दिखेगा, ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, क्लियर है बात को, कि अगर मैं इसको टिल्ट कर देता हूं तो ये साइड से आप ये भी देख लोगे, ये भी देख लोगे और ये भी देख लोगे, इसी को हम लोग बोलते हैं एक सिंगल व्यू में तीनों चीज देख लेते हैं। अब इसमें भी तीन टाइप होता है, देखो ट्राइमेट्रिक कहने का मतलब कि जैसे जो तीनों एंगल बनेगा, ये देखो ये एंगल बनेगा, ऐसे व्यू देखोगे तो ये अगर आप कॉर्नर देखो तो कॉर्नर से ये आया और ये आया, तीन एंगल बने, एक दो तीन, ठीक है। अगर ट्राइमेट्रिक की बात करोगे तो ये जो एंगल बनेगा वो तीनों डिफरेंट होंगे,
क्या होंगे, यहाँ मान लो 110 होगा, 120 होगा, 130 होगा, टोटल 180 360 होने चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे होने चाहिए, तो ये तीनों डिफरेंट होंगे, अलग अलग, ठीक है। डायमेट्रिक की जब बात करोगे तो दो एंगल बराबर होगा, एक डिफरेंट होगा, क्लियर है। अब जब आइसोमेट्रिक की बात करोगे तो तीनों इक्वल होगा, इक्वल होना है कि मतलब 120 डिग्री पे तीनों होगा, ठीक है। तीनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 360, क्लियर हो गया। कि देखो इतना हमारे पास ये पूरा समरी है इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का, क्लियर हो गया। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब मैं डिस्कस करता हूँ, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मल्टी व्यू प्रोजेक्शन में फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल, इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया है, कैविलियर और कैबिनेट क्या क्या होता है। अब बात करता हूँ एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में, इसको मैं थोड़ा डायग्राम के साथ और अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। चलो तब तक इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो अभी हम लोग देखिए क्या कि क्या होता है सिस्टम प्रोजेक्शन, कैसे हम लोग समराइज किए। तो इसमें कुछ टॉपिक था, जैसे एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, इसको तो पता चल ही गया होगा कि एक सिंगल व्यू में हम लोग तीनों फेसेस देख लेते हैं, तो उसी को एक डेफिनेशन के तौर पर देख लो, ठीक है। चलिए देखिए एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है। इट इज़ अ सिंगल टाइप ऑफ सिंगल व्यू प्रोजेक्शन। ये क्या है, एक सिंगल व्यू प्रोजेक्शन है। जैसे कि कोई भी 3D ऑब्जेक्ट होगा तो उसका एक सिंगल व्यू में, जैसे कि देखिए ये हो गया, तो इस तरीके से इसको घुमाओ ताकि आपको तीनों फेस दिख जाए, क्लियर हुआ बात। ये देखो ऐसे देखोगे तो आपको तीनों फेस नहीं दिखेगा, अगर आप थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दो, ठीक है, तो आपको ये भी फेस, ये भी फेस और ये भी फेस, एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट है कैसा, क्लियर। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो देखो सिंगल व्यू प्रोजेक्शन समझ में आ गया, ओनली वन प्लेन कॉल्ड एन एक्सोनोमेट्रिक प्लेन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोनोमेट्रिक प्लेन इज यूज टू डिस्प्ले द ड्रॉइंग। उसको हम लोग जो प्लेन होगा उसी को हम लोग जो ड्रॉइंग डिस्प्ले होगा उस प्लेन पे, वही क्या है, एक्सोनोमेट्रिक प्लेन। देखो द ऑब्जेक्ट इज टर्नड, या इसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट है ये, इसको टर्न करो, टिल्ट करो, ठीक है ना, टर्न एंड टिल्ट इन सच वे पोजिशन, इन सच अ पोजिशन दैट ऑन द थ्री फेसेस बिकम विजिबल फ्रॉम वन सिंगल डायरेक्शन, कि आप एक डायरेक्शन से आपको तीनों फेस क्या हो जाए, दिख जाए, क्लियर है ना। देखो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रख लेना, विजिबल फ्रॉम अ सिंगल डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन से आपको व्यू दिख जाएगा, ठीक है ना, तीनों डायरेक्शन, ठीक है, थ्री फेसेस का। देखिए नेक्स्ट क्या है, द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन अ सच वे दैट इट्स थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर एज। देखो एज कहने का मतलब जो इसका कॉर्नर होता है, ये वाला एज है, ये सब क्या है, एज है, ये देखो ये क्या है, एज है, ये इसका क्या है, एज है, थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर एज। जैसे देखो ये एज हो गया, एक ये एज हो गया, ये एज हो गया, है ना, परपेंडिकुलर एज विल रिमेन इंक्लाइन टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे देखो ये मान के चलो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, तो इसको क्या कर दो, ऐसे कर दो, तो देखो तीनों क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंक्लाइन टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो कॉर्नर आ रहा होगा, ये कॉर्नर, ये भी क्या होगा, आपस में क्या होंगे, सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अब देखो आगे, आपके पास तीन था, ठीक है, एक ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन, डायमेट्रिक और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। चलिए तो देखो ट्राइमेट्रिक कहने का मतलब क्या था, कि ये जो तीनों एंगल है वो क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है ना, ऐसे घुमाओ इसको ताकि तीनों एंगल अलग दिखे, जैसे कि 110, 130, 120 तीनों मिलके कितना हो जा रहा है, 160। और जो नीचे वाला एंगल बनेगा, ये तो ऊपर का हो गया, अब जो बॉटम का एज का एंगल बनेगा वो एक 20 डिग्री होगा, दूसरा 40 डिग्री पे होगा, क्लियर है। ऐसे आप रख रहे हो ऑब्जेक्ट को, तो ये जो एंगल बन रहा है ऐसे, ठीक है ना, यहाँ से देखो ऐसे, तो ये कुछ एक 20 डिग्री, एक 40 डिग्री पे, क्लियर। अब डायमेट्रिक में क्या होता है, कि दो एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि ये और एंगल और ये एंगल क्या होगा, 110 110 होगा, ये कितना होगा, 140 होगा, तो यहाँ पे दो एंगल इक्वल, यानी कि डायमेट्रिक, कोई एंगल इक्वल नहीं तो ट्राइमेट्रिक, ठीक है। अगर तीनों इक्वल हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। देखो इसमें क्या है, दो 110 110 140, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने कितने का बनेगा, 20 20 का बनेगा, क्लियर। क्यों 20 20, क्योंकि 120 120 है,
तो यहाँ 20-20 ऐड करो तो अपने आप पता चल जाएगा 130 हो जाएगा आगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देख लो, ये क्या है आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होता है, ठीक है ना। यही आपका नेक्स्ट यूनिट है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इक्वल एंगल 120 120, और जो नीचे वाला बॉटम बनाता है वो कितने का, 30 डिग्री का, क्लियर है ना बात। कितने डिग्री का, 30 डिग्री, देखो 10 20 कितना 30 है ना, इस टाइप से कभी कभी देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लियर, तीनों चीज़ के बारे में हो गया। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है ना, सिंगल व्यू में हम तीनों चीज़ तीनों फेस देख लेते हैं, ठीक है ना, विजिबल हो जाता है। और इस तरीके से घुमाओ, देखो तीन तरीके से घुमा सकते हैं, ट्राइमेट्रिक टाइप का, डायमेट्रिक और आइसोमेट्रिक। अब देखो नेक्स्ट हमारा यूनिट रहता है, रहेगा वो रहेगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होगा, आपको तीन व्यू दिखेगा अलग अलग, आपको उसको 3D में बनाना होगा, है ना। जैसे इसको क्या करते थे, एक 3D मिलता था, आप अलग अलग व्यू बनाते थे, वहाँ पे अलग अलग व्यू दिखेगा, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, 3D में करना है, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका एक समरी हो गया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का, ठीक है। और हमने कुछ क्वेश्चन भी देखा था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का। अब इसके बाद हम लोग कुछ लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक इसको आप लोग नोट डाउन कर लो।